स्वागत है फेस टू फेस में हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी कहती है सरकार हमारी बनेगी, क्या आम आदमी पार्टी भी हाथ आजमाएगी? यूपी हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, बीजेपी को आदत है झूठ बोलने की, झूठ बोलने में माहिर है। अब ये बताइए आप, क्या वो अंतर्यामी है या सारे ही लोग योगी जी की तरह पंडित हैं वहाँ पर, जिनको ये बात मालूम है कितनी सीटें आएंगी? अरे आप यूपी के जाके हाल तो देखो कम से कम। यूपी का वो हाल कर दिया इन्होंने कि गुंडागर्दी जो ये कहते हैं ना कि कानून का राज है, मैं कहता हूँ कि वहाँ भी जंगल राज है, और जंगल राज पहले कभी नहीं था, कहते थे सिर्फ, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी आप ये बताइए कि आपको मालूम है एक घंटे बाद क्या होने वाला है? नहीं मालूम। उनको 6-7-8 महीने पहले कैसे मालूम है सरकार उनकी बनेगी? तो या तो खुली गुंडागर्दी जो जिला पंचायत में हुआ, जिला पंचायत में पुलिस के सामने कैंडिडेट को खींच के ले जाते हैं, एसएसपी को थप्पड़ मारते हैं, एसएसपी के पास बम लेके जाते हैं मारने के लिए, तो इस तरह से तो चुनाव जीत सकते हैं। फिर तो 100% ठीक बोल रहे हैं सरकार उनकी बनेगी, फिर तो हम भी मान लेते हैं। लेकिन यदि सभ्यता के दायरे में इलेक्शन हुए तो मुझे नहीं लगता 10 सीट भी लेकर आ पाएंगे, क्योंकि यूपी में जनता इतनी परेशान है बीजेपी से। इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए आप, पूरी इंडिया नहीं पूरे दुनिया में सबसे महंगी, जेब काट रहे हैं लोगों की इस नाम पे वो। और क्या चीज़ महंगी नहीं है? मोदी साहब ने कहा था कि 2022 में कोई गरीब नहीं रहेगा, फिर आप बता सकते हैं कि 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको ये कह रहे हैं, 80 लाख लोग कौन हैं जिनको ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं? कहाँ से आ गया वो गरीब? मुहैल चौकसी जो यहाँ से गायब हुआ था, उसको गायब करने में सरकार ने मदद की थी, इसके सबूत मिल चुके हैं, लेकिन कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि बोलेगा जो बोलेगा उसी को अंदर डाल देंगे, जबकि इनको मालूम है। तो जहाँ पर ऐसे लोग होंगे, ऐसी सरकार होगी, उस देश का क्या भला होगा? आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे? मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार बनेगी। सरकार अगर बनेगी, जय रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वक्त आने पर हमारे बड़े नेता ही डिसाइड करेंगे क्या होगा, इसके बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। योगी जी कहते हैं जब से यूपी में बीजेपी की सरकार है तब से बहुत विकास हुआ है और कानून का राज है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, कानून का राज का मैं आपको जवाब देता हूँ, कैसा कानून का राज है। इनके एक एमएलए हैं संगीत सोम, जो मेरठ के सरदना क्षेत्र से आते हैं, उनकी गुंडागर्दी और उनकी शराफत लोगों ने बहुत देखी है जब से वो पॉलिटिक्स में आए, कि कितने बड़े शरीफ हैं। अब उनकी नई नई मिसाल आप सुन लीजिए, उन्होंने अपने गुंडों को नियुक्त किया हुआ है। आज 9 तारीख 8वां महीना है और ये मैं 7 तारीख की आपको घटना बता रहा हूँ। उनके गुंडे सरेआम पटवारी को पीटते हैं, सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारते हैं उन्हीं के क्षेत्र में, उसका गृहवान पकड़ते हैं, सिर्फ किस बात को लेकर के कि वो सिर्फ उनके एक गुंडे के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, तो उसका उन्होंने गृहवान पकड़ के थप्पड़ मारा उसको और वहाँ से भगाने की कोशिश की धक्के मार करके। सब इंस्पेक्टर उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है और वो उसको धक्के दे रहे हैं। ये कानून का राज है यूपी में। उसके बाद एसएसपी साहब ने पहले भी इनको 2 बार वार्निंग दी शायद, लेकिन इनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। लेकिन अब ये सुनने में आया है कि इनके खिलाफ 1 FIR की गई है, लेकिन उस FIR का क्या मायने, क्या मतलब कि जिसमें FIR तो की गई लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाता? अगर यही काम किसी और पार्टी के आदमी ने किया होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, उस पर ऐसे ऐसे एक्ट लगा देते कि उसकी बेल नहीं होने वाली थी 1 साल तक। ये कानून का राज है वहाँ पर। दलित लोगों के घर में आग लगा दी जाती है, जिस जो बीजेपी के लोग खुद जाकर लगाते हैं, ये है वहाँ पर कानून का राज। जो बंदा इनको लगता है कि ये कल हमारी सपोर्ट में नहीं रहेगा, या हमारे खिलाफ़ बोलता है, या उसने सच बोल दिया है, उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। ये है वहाँ पर कानून का राज। तो अगर ये कानून के राज हैं तो फिर तो कानून का राज हमेशा चलता रहेगा इनका, कौन रोक सकता है इनको? आप कोई संगीत सोम जी से जवाब पूछ सकता है क्या, जितने वो टीवी पर छाए रहते थे हमेशा, और हमेशा मुसलमानों को तो उन्होंने कभी समझा ही नहीं कुछ भी, उंगली उठाते रहे, गद्दार कहते रहे। अब ये कौन लोग हैं कि जो हमारे देश की पुलिस जो हमारे लिए काम करना चाहती है, जिस पर हमें गर्व है, उसको गृहवान पकड़ के मार रहे हैं, तहसीलदार को मार रहे हैं, SSP को थप्पड़ मार रहे हैं? ये कौन सी पार्टी के लोग हैं? क्या इनको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि ये शरीफ लोग हैं? संगीत सोम जी दे रहे हैं या योगी जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं या बीजेपी दे रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है कि कितने शरीफ लोग हैं जिनको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये
इनकी गलती नहीं है। बीजेपी में एक सिस्टम है कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल उतना बड़ा पद, तो हर क्रिमिनल ये कोशिश करता है कि जब तक आप सुर्खियों में नहीं आओगे, जब तक आप क्राइम नहीं करोगे, तब तक आप टीवी पर नहीं आओगे, और जब तक आप टीवी पर नहीं आएंगे तब तक आप पार्टी की नज़र में नहीं आओगे, तो तब तक आपको बड़ा पद नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये उनका एक इंटरव्यू है कि आपको सिलेक्शन तब क्या होगा आपका, जब आप अच्छा क्राइम करके आओगे। तो जितना अच्छा क्राइम उतना अच्छा पद, ये बीजेपी का अपना एक फंडा है जिसको अपनाते रहते हैं, और ये एक तरह से लोगों का इंटरव्यू होता है, तभी उनके लेखक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनसे बात करूँ तो बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।